इस रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना है, दैट इज नोन एज एमाइड, AMIDE. व्हाट? एमाइड. ओके, क्लियर हुआ आपको? नायलॉन जिस सिंथेटिक जो यूनिट है उसकी सिंथेटिक की, दैट इज एमाइड, AMIDE. अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इसकी पिक ग्रुप पे आफ्टर देन सेंड कर दूंगा क्लास वाइज. तो एमाइड का जो यूनिट बेस होता है दैट इज सॉरी नायलॉन का जो यूनिट बेस होता है दैट इज एमाइड. ओके, AMIDE. तो आगे कह रहा है नायलॉन इज अ पॉलीएमाइड. अब नायलॉन को पॉलीएमाइड कहते हैं, जैसे हमने मोनोमर्स के साथ पॉलीमर्स ऐड किया था वैसे ही हम क्या करेंगे एमाइड के साथ पॉलीएमाइड ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हम उसे कहेंगे पॉलीएमाइड, विच इज अ पॉलीमर, एक पॉलीमर की तरीके से काम होगा. द नेम नायलॉन, अब नायलॉन जो वर्ड है NYLON, नायलॉन वर्ड आया कहां से बेटा? ठीक है, द नेम नायलॉन कम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज डेवलप्ड इन न्यूयॉर्क. नॉर्मली न्यूयॉर्क में एक फैक्ट था और लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन के कॉम्बिनेशन से बना नायलॉन. NY फ्रॉम द न्यूयॉर्क एंड द LON फ्रॉम द लंदन, देयर इज नायलॉन. NY न्यूयॉर्क एंड LON यानी कि लंदन, विच इज नाय एंड लॉन, नायलॉन फॉर्म हुआ. नायलॉन इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, नायलॉन इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. ओके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? नायलॉन इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. आगे इसमें स्टेटमेंट दे रहा है विच कैन बी मेल्टेड बाई हीटिंग. अगर मैं इसको हीट देता हूं तो ये मेल्ट हो जाएगा. मोल्टन नायलॉन इज फोर्स थ्रू द टीनी होल्स इन द स्पिनरेट टू मेक द नायलॉन फाइबर. अब हमने फिर से वही काम किया, जो मोल्टन नायलॉन था उसको हमने फिर से स्पिनरेट में डाला ताकि हम उसके फाइबर्स बना सके. आफ्टर देन फाइबर्स के बाद फैब्रिक बनाने का प्रोसेस आपको पता होता है. तो हम जब नायलॉन फाइबर को बना रहे हैं तो किस तरीके से बना रहे हैं, देखिएगा फिर से ध्यान से सुनिएगा. नायलॉन फाइबर जो सबसे पहले मेड हुआ देन इट 1931, तो नायलॉन का नाम कहां से आया? दिस इज बिकॉम फ्रॉम द न्यूयॉर्क NY एंड लंडन LON. So it is nylon. अब जो nylon का unit part होता है that is called amide. The unit part of nylon is called amide and it's polyamide. तो इसे overall हम क्या बोलते हैं? Polyamide बोलेंगे. जैसे हमने rayon का unit part हमने पढ़ा था monomer और उसके बाद हमने उसका complete part पढ़ा polymers, जो कि हम कहते हैं polymer से combine होके बनते हैं, जो उसकी fabric sorry उनका जो fiber होता है then it is known as पॉलीमर्स. तो नायलॉन का जो फैब्रिक होगा उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? पॉलीएमाइड. और इसका जो यूनिट पार्ट होगा दैट इज एमाइड. क्लियर? अब इनको हम फॉर्म कर देंगे. अब इनके बाद क्या करते हैं, जो मोल्टन स्टेट का नायलॉन होता है हम इनको हीट देते हैं, हीट देने के बाद ये मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं. आफ्टर जब ये मोल्टन स्टेट में आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको उसी स्प्रिट से उसी स्पिनरेट से क्या करते हैं, मूव करवाते हैं ताकि वो उस टीनी होल के थ्रू गुजरे और क्या बना सके, फैब्रिक्स बना सके, टीनी फैब्रिक्स बना सके, पतले पतले फैब्रिक्स वो सॉरी पतले पतले फाइबर्स वो बनाएंगे. फाइबर्स बनने के बाद हम उनका यूज करेंगे, फाइबर्स बनने के बाद हम उनका यार्न बनाते हैं, यार्न के बाद हम उनकी फैब्रिक बनाते हैं. और यार्न बनाने का प्रोसेस और फैब्रिक बनाने का प्रोसेस कैसे यूज होता है ये आपको पता है. ट्विस्टिंग, यार्न बना लिया, उसके बाद हमने क्या कर ली, वीविंग, फैब्रिक बना लिया. तो आपको यार्न बनाने का प्रोसेस पता है और यार्न टू फैब्रिक बनाने का प्रोसेस पता है. तो हमें केवल अब जो बेसिक सी चीज चाहिए वो चाहिए फाइबर. तो हम फाइबर कैसे गेट कर रहे हैं, हमने केवल उतना जानना है. आगे देखिए, आगे जो इसमें स्टेटमेंट दे रहा है, तो जो अब नायलॉन फाइबर होता है उसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, नायलॉन फाइबर की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है. तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं नायलॉन फाइबर की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज. तो नायलॉन फाइबर के पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में कह रहा है दे आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, फेयरली इलास्टिक, ये इलास्टिसिटी इनमें होती है, यानी कि हल्का हल्का क्या हो सकते हैं, इलास्टिक हो सकते हैं, यानी कि एज ए रबर ये स्ट्रेच हो सकते हैं, इनमें इलास्टिसिटी होती है. लाइट वेट एंड लस्चर, ये काफी हल्के होते हैं और इनमें चमक होती है, लस्चर होते हैं, शाइनी होते हैं. नायलॉन फाइबर एब्जॉर्ब अ लिटिल वाटर, ये थोड़ा बहुत लिटिल वाटर लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं. सो क्लॉथ मेड बाय नायलॉन आर इजी टू वॉश एंड ड्राई, और इसी वजह से नायलॉन के जो कपड़े होते हैं उनको वॉश करना
और उसके बाद उनको ड्राई करना यानी कि सुखाना बहुत ही आसान हो जाता है। नायलॉन इज द रिंकल रेजिस्टेंट, रिंकल रेजिस्टेंट का मतलब इनमें रिंकल्स नहीं होते, ये रिंकल्स का रेजिस्टेंस, दैट इट मींस कपड़े में जो कभी कभी एक चिमुड़न सी आ जाती है, कपड़े को बाउंड करके कहीं रखे तो उसमें क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर एक लाइन बन जाती है कि एक धार बन जाती है जिसे हम क्रीच बोलते हैं, वो क्रीचिंग की प्रॉब्लम इनमें नहीं आती क्योंकि वो रिंकल्स फ्री होते हैं एक तरीके से। आगे कह रहा है नायलॉन फाइबर हैव हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, हाई वियर एंड टियर रेजिस्टेंस, ठीक है, नायलॉन फाइबर में हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब नॉर्मली वो काफी अच्छे कपड़े होते हैं, सो दे आर वेरी ड्यूरेबल, वो काफी अच्छे टाइम तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, वेरी ड्यूरेबल होते हैं। नायलॉन इज नॉट अटैक्ड बाय मथ एंड ऑर्डिनरी, सॉरी नायलॉन इज नॉट अटैक्ड बाय मथ्स एंड ऑर्डिनरी केमिकल्स ड्यू टू द ऑल दिस प्रॉपर्टी, नायलॉन फाइबर हैव बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, नायलॉन जो क्लॉथ होता है नॉर्मली जल्दी खराब नहीं होते, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इस वजह से हम इनका यूज ज्यादातर क्लॉथिंग्स में करते हैं क्योंकि ये ड्यूरेबल ज्यादा होते हैं। ओके वैसे बेटा गेट क्लोज करिए। ओके आगे देखते हैं, यूजेस ऑफ नायलॉन, नायलॉन का यूज करते हैं, देखते हैं नायलॉन के यूजेस में क्या क्या है। नायलॉन इज यूज फॉर द मेकिंग टेक्सटाइल, नायलॉन इज यूज फॉर द मेकिंग टेक्सटाइल, मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार नॉर्मली आप लोग अनम्यूट करके हाँ बोल दो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। आ रही है सर। आ रही है सर। ओके वेरी गुड, अब बात करते हैं यूजेज ऑफ नायलॉन की, अगर किसी की बुक में कोई पर्टिकुलर पॉइंट छूट रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं तो आप बोल सकते हो, मैं उसे नोट करवा दूंगा। ओके अदरवाइज मैं आपकी ग्रुप में जो नायलॉन टॉपिक मैंने पढ़ाया है मैं उसकी पिक भेज दूंगा, आप नोट कर सकते हैं, जो चीजें आपकी छूट रही है आप उसको नोट कर सकते हैं। यूजेज ऑफ नायलॉन, यूजेज ऑफ नायलॉन को देखते हैं, नायलॉन का क्या क्या यूज है। नायलॉन इज यूज फॉर द मेकिंग टेक्सटाइल, नॉर्मली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, जैसे नायलॉन की साड़ी बनती है, शर्ट्स बनते हैं, नेक टाइज बनती है, ओके शॉक्स बनते हैं, और भी कई सारे गारमेंट्स हैं जो कि हम नायलॉन के थ्रू एक तरीके से हम अपने कपड़े बनाते हैं नायलॉन के थ्रू। नायलॉन सेकेंड यूज इज, नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग कर्टन, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स, कर्टन जो कि पर्दे होते हैं, स्लीपिंग बैग्स हम बनाते हैं और टेंट्स बनाते हैं, टेंट्स में तुमने देखा होगा एक कपड़ा लगा होता है, दैट इट इज नायलॉन। थर्ड यूज, नायलॉन इज यूज्ड मेकिंग रोप्स, रोप्स बनते हैं, नायलॉन की भी रस्सी आती है जो कि प्लास्टिक की एक रस्सी हमें कभी कभी दिखाई देती है तो वो एक नायलॉन की रस्सी होती है। कार सीट बेल्ट, कार की सीट बेल्ट बनाते हैं, फिशिंग नेट, टायर कॉर्ड, स्ट्रिंग फॉर द स्पोर्ट रैकेट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग भी इनके साथ बनते हैं, तो इसमें बहुत सारे यूजेस आपको दिए गए। ओके जस्ट मिनट, आगे देखते हैं। All these uses of nylon are due to the high strength. अच्छा, अब nylon का इतना ज़्यादा use कर रहे हैं, इतनी जगह पे use कर रहे हैं, then what is the reason of use? तो इसकी तो एक तो पहले इसकी strength जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो there are high strength of nylon fiber. A nylon thread is actually stronger than steel wire of similar thickness. अब समझिए इसने क्या कहा है कि अगर मैं सिमिलर थिकनेस का नायलॉन वायर लेता हूं और एक स्टील वायर लेता हूं, तो जब कंपेयर करते हैं अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को, तो नायलॉन वायर जो है वो स्टील वायर से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टील वायर के कंपेरिजन में, इज दैट ओके। इसी वजह से हम नायलॉन वायर का यूज हमेशा बहुत सारी मैक्सिमम प्लेसेस में हम नायलॉन वायर नायलॉन फाइबर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पॉलिस्टर। अच्छा हाँ, किसी को नायलॉन में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस इन द नायलॉन, मीनिंग ऑफ एमाइड सर। ओके हर्षित, आपको कोई क्वेश्चन नायलॉन में? सर नायलॉन का फर्स्ट जो मैं टॉपिक छूट गया था सर, नायलॉन का फर्स्ट टॉपिक छूट गया था,
बेटा हटो ओके नायलॉन का फर्स्ट टॉपिक छूट गया था मतलब मैंने आपको नहीं समझा बेटा हर्षित सर जब आप नायलॉन शुरू कर दे तब सर मैं लीव हो गया था ओके ठीक है तो फिर मैं आपको एक बार फिर से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आप यूट्यूब पे वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा तो आप देख लेना वहां से कोई इश्यू नहीं होगा ठीक है अगर उसके बाद भी कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो देन आफ्टर देन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो आगे देखते हैं अंशिका आपको कोई क्वेश्चन है नो सर ओके राधिका आपको कोई क्वेश्चन है राधिका गायब हो गई ओके चलो ठीक है राधिका का शायद नेटवर्क इश्यू आ रहा है आफ्टर देन हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पॉलिस्टर सर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिस्टर पॉलिस्टर का कैसे यूज करते हैं कहाँ यूज होता है कैसे क्या होता है इसको देखते हैं पॉलिस्टर के अभाव देखते हैं सो देयर इज अ पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर Actually, polyester is the general name of the synthetic fiber which contain many ester group. अब जरा देखिए, जब हम rayon को form कर रहे थे, that it is made up of polymers. The unit part of rayon is monomers. Monomers से आया polymers. अब हम जब हम nylon में आए, then it is the unit part is amide. Amide से हमने contain करके बनाया polyamide. अब हम बात कर रहे हैं polyester की, then it is unit part is ester. और उसका कंबाइंड पार्ट क्या हो गया पॉलिएस्टर उसी को हमें स्टडी करना है देन इट इज पॉलिएस्टर उसका एक कॉमन नेम है अब हम इस थोड़ा सा बात करेंगे पॉलिएस्टर की तो पॉलिएस्टर में दिया रहा है कि पॉलिएस्टर कंटेन मेनी ईस्टर ग्रुप पॉलिएस्टर में कई सारे ईस्टर ग्रुप्स होते हैं ठीक है इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ द केमिकल कॉल्ड द पॉलिएस्टर इज द सिंथेटिक फाइबर इन विच द पॉलीमर यूनिट आर लिंक्ड बाय द ईस्टर ग्रुप अब जैसे इसमें जो यूनिट पार्ट होता है वो होता है ईस्टर और ईस्टर के कॉम्बाइन जो पार्ट होते हैं दैट इज नोन एज पॉलिएस्टर हमें केवल इसके बारे में स्टडी करनी है आगे देखते हैं नाउ वी कैन नाउ से दैट पॉलिएस्टर फाइबर और इसके कंबाइंड फॉर्म को हमने इसका नाम दे दिया पॉलिएस्टर फाइबर और कुछ नहीं किया आगे दे रहा है टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर फाइबर अब एक फाइबर का नाम है टेरिलीन क्या नाम है बेटा टेरिलीन और टेरिलीन के लिए कह रहा है टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर फाइबर वो एक पॉपुलर पॉलिस्टर फाइबर है ठीक है पॉलिस्टर इज आल्सो ए थर्मोप्लास्टिक पॉलिस्टर पॉलिस्टर को हम थर्मोप्लास्टिक पॉलिस्टर भी बोलते हैं पॉलिस्टर इज आल्सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर सॉरी जो पॉलिस्टर होता है उसे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी कहा जाता है पॉलिस्टर को हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी कहेंगे बेटा ये चीजें दिमाग में रखिएगा आगे दे रहा है Most of the properties of polyester fiber are similar to those of nylon. ज्यादातर polyester की properties nylon के equal होती है ज्यादातर polyester की properties क्या होती है बेटा nylon के equivalent होती है Clear? Okay, next. आगे देखते हैं polyester fiber is also softer than nylon fiber. Polyester fiber जो होता है वो nylon से भी ज्यादा soft होता है बहुत ही मुलायम होता है सिंस पॉलिस्टर फैब्रिक इज स्ट्रॉन्ग लेकिन स्ट्रॉन्ग भी होता है एक चीज दिमाग में रखना क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टी नायलॉन के सिमिलरिटी होती है बट कुछ चीजें ऊपर नीचे वैरी करती है जस्ट लाइक इसका जो सॉफ्टनेस है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है नायलॉन से भी ज्यादा सॉफ्ट होती है ये भी रिंकल रेजिस्टेंट होती है ये इसको भी धोना और वॉश करना काफी आसान होता है तो इस तरीके से पॉलिस्टर का भी यूज हम बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं तो अब हम पॉलिस्टर के यूजेस के बारे में देखते हैं व्हाट इज द यूजेस ऑफ पॉलिस्टर The first use is the most important use of polyester. ठीक है अब polyester को अब देखो इसमें एक polyester का नाम है terylene. The name of polyester is a terylene. इसमें वही कह रहा like terylene. The most important use of polyester as a terylene is in making fabric for saree. Polyester की साड़ियां बनाते हैं dress material बनाएंगे curtain बनाएंगे mixed with the cotton. अब इसको cotton के साथ जब हम mix करते हैं कॉल्ड पॉलीकोट एंड टेरिकॉट जब हम इसको क्या करते हैं कॉटन के साथ पॉलिस्टर को मिक्स करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं टेरिकॉट और पॉलीकॉट ये चीजें अगर नोट करनी है तो लिख लीजिए
कॉटन प्लस पॉलिस्टर इज इक्वल टू टेरिकॉट और पॉलीकॉट. ओके आफ्टर देन इट इज यूज फॉर मेकिंग शर्ट्स ट्राउजर्स एंड द अदर ड्रेसेस. पॉलिस्टर मिक्सड विद द वूल, पॉलिस्टर मिक्सड विद द वूल टू फॉर्म पॉलीवूल एंड टेरिवूल. पॉलिस्टर को वूल के साथ मिक्स करते हैं. अब हमने क्या लिख लिया, पॉलिस्टर प्लस वूल गिव अस टेरिवूल और पॉलीवूल. Is it clear? Next, it is used for making suits, woolen shirts, etc. बहुत सारी जगह पे हम use करते हैं. Second use आया polyester का. अब second use में क्या है? Polyester is used for making sail of sailboats. जो sailboats होती है तुमने normally देखा होगा, जब sailboats होती है तो उनमें एक पर्दे लगे होते हैं, इस तरीके से curved part में एक पर्दा लगा होता है, that is sail कहते हैं उसे, sailboat की. तो sailboat की sail में polyester का use करते हैं, क्योंकि जब एयर विंड जब चलती है तो वो उस सेल बोट पे डायरेक्शन में उसे फोर्स अप्लाई करती है, जिस डायरेक्शन में फिर वो क्या करती है, वो रन करती है, मूव करती है. तो वही कह रहा है कि पॉलिस्टर इज यूज फॉर मेकिंग सेल्स इन द सेल बोट. द पॉलिस्टर सेल आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड नॉट स्ट्रेच एंड डू नॉट रोट इन द कॉन्टेक्ट विद द वॉटर, और उसके बाद वाटर कॉन्टेक्ट में वो खराब नहीं होती. आगे देखते हैं. Polyester is used for making water hoses for fire fighting operators. जो fire fighting operators होते हैं उनमें जो water hoses बनते हैं, तुमने देखा होगा normally जो fire fighting operators होते हैं उनके पास बहुत सारे equipments होते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा उनके पास water hoses भी होते हैं, उसमें भी polyester का use किया जाता है. Polyester is used for making conveyor belt. Conveyor belt में भी polyester का use किया जाता है. तो इस तरीके से पॉलिस्टर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम. नायलॉन का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो भी काफी फेमस है, साथ ही साथ हम पॉलिस्टर का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं. आगे कह रहा है फाइबर है बिकम वेरी पॉपुलर. ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर होने थे वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस होने लगे, जस्ट लाइक पॉलिस्टर हो गए, रेयन हो गए, नायलॉन हो गए, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर एंड इलास्टिक. क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थे, उनमें इलास्टिक का नेचर था, वो लो एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंथेटिक, लो एब्जॉर्प्शन था उनके पास वाटर का, ऊपर से वो सस्ते भी थे कहीं ना कहीं, वो काफी चीपर थे नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में, इस वजह से इनका यूज ब्रॉड वे में किया जाने लगा और ये काफी फेमस भी हुए. बहुत ज्यादा यूजेस हमने इनका डेली लाइफ में किया. ये रिंकल रेजिस्टेंट होते थे, इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते थे, इनमें लश्चर होता था, केमिकली अनरिएक्टिव होते थे. ठीक है, इस वजह से इनका हमने बहुत ज्यादा यूज किया. अब इसमें एक पॉइंट दे रहा है पेट, इनमें एक पॉइंट दे रहा है पेट. ठीक है, पेट कैसा पॉइंट है देखते हैं. पीईटी पेट, पेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. पॉलिस्टर का एक फॉर्म होता है पेट, पॉलिस्टर का एक फॉर्म है पेट. पेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. इसमें आगे कह रहा है इसमें आगे कह रहा है. अब ये जो पेट है, पेट का फुल फॉर्म क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ द पेट इज पॉलीएथिलीन टेरेथलेट. पॉलीएथिलीन टेरेथलेट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पेट. पी फॉर पॉली, पी ई फॉर एथिलीन एंड द टी फॉर टेरेथलेट, दिस इज पॉलीएथिलीन टेरेथलेट फॉर पेट. पेट कैन बी मेड इनटू अ फाइबर और अ प्लास्टिक. पेट से आप फाइबर और प्लास्टिक दोनों यूज करते हैं. आगे देखते हैं. पेट इज जनरली रेफर टू द पॉलिस्टर व्हाइल द टर्म पेट इज यूजुअली यूज फॉर द प्लास्टिक फॉर्म. अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, लिखा है पेट इज जनरली रेफर्ड एज पॉलिस्टर. पेट नॉर्मली होता तो पॉलिस्टर है, बट व्हाइल टर्म पेट इज यूजुअली यूज फॉर द प्लास्टिक फॉर्म. बट ज्यादातर हम पेट का होता तो पॉलिस्टर है, बट ज्यादातर हम इसे पॉलिस्टर में प्लास्टिक फॉर्म में यूज करते हैं पीईटी को. पीईटी यानी कि पेट एज ए प्लास्टिक इज वेरी लाइट वेट. इसकी जो प्लास्टिक होती है वो बहुत ही लाइट वेट की होती है. इट इज नेचुरली कलरलेस, ये नेचुरली कलरलेस होती है विद द हाई ट्रांसपेरेंसी. इसकी ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है ये. पेट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंट. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और ये नॉर्मली क्या होती है, टूटती नहीं है जल्दी. एज ए प्लास्टिक पेट इज रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास. पेट इज रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास.
तो एज ए प्लास्टिक, ये प्लास्टिक के तौर पर अगर मैं इसकी बात करूं, पेट इज अ रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास, ये ग्लास की तरीके से वर्क करेगी, यानी कि एक ग्लास जो होता है वो ब्रेक हो सकता है, बट पेट जल्दी ब्रेक नहीं होती है, वो उसके पास एक ड्यूरेबिलिटी होती है, तो ग्लास की जगह आप पेट का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है और पेट भी आपका ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से आप पेट का यूज कर सकते हैं इसकी जगह, ग्लास की जगह। आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है कि पेट बॉटल आर यूज फॉर फिजी ड्रिंक एंड पेट जार्स आर यूज फॉर स्टोरिंग सुगर, साल्ट, स्पाइसेस एंड राइस एटसेट्रा। अब नॉर्मली कह रहा है जो पेट, ओके ठीक है, गुड हर्षित। अब इसमें पेट की बात करें, जो पेट बॉटल्स होती हैं नॉर्मली, इसमें कह रहा है जो पेट बॉटल्स हैं नॉर्मली उसमें कोल्ड ड्रिंक्स रखे जाते हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीजें रखी जाती है हम अपने घरों में, जो नॉर्मली चीनी होती है, शुगर होता है, साल्ट होता है, स्पाइसेस होते हैं, ये सब कौन सी प्लास्टिक में रखते हैं, हम पेट प्लास्टिक में रखते हैं। तुमने देखा ही होगा अपने घरों के किचन में, जो आप प्लास्टिक का डब्बा यूज करते हैं वो काफी मजबूत होता है, थोड़ा सा इलास्टिसिटी भी उनमें होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी उनमें होती है और वो काफी टफ भी होते हैं एक तरीके से, वो जल्दी टूटते नहीं है, उनके पास एक ड्यूरेबिलिटी होती है और वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। आगे आपको कह रहा है, पेट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग थिन फिल्म्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, तो पेट से बहुत सारे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम पेट को एज ए पेट होता तो पॉलिस्टर है, बट ये कैसा पॉलिस्टर होता है, पॉली एथिलीन टेथलीन, तो इस वजह से हम इसे प्लास्टिक के टर्म में भी यूज करते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर दैट पॉलिस्टर फाइबर एंड पेट बॉटल्स आर जार मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मली पॉलिस्टर फैब्रिक्स होती हैं, या फिर पेट की बात करें या फिर आप जार की बात करें, तो ये सब सारी चीजें किससे बनी हुई है, एज ए सेम मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम नॉर्मली पॉलिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो इतने बहुत सारे यूजेज हमें पॉलिस्टर के देखने को मिले, पॉलिस्टर का एक अनदर फॉर्म पीईटी जो है, नॉर्मली एक प्लास्टिक फॉर्म होता है पॉलिस्टर का, हमने उसे भी जाना, पॉलिस्टर में जो पीईटी पेट का फॉर्म है उसका फुल फॉर्म भी मैं आपको अभी मैसेज कर दूंगा, शाम को 7 बजे के बाद मैं आपको मैसेज कर दूंगा, क्योंकि तब तक तो मेरी कॉन्टिन्यूस क्लासेस भी रहेंगी, आपको कुछ नोट्स अगर मैं पिक सेंड कर दूंगा, अगर आपको उसमें से कुछ चीजें नोट डाउन करनी होगी तो आप नोट डाउन कर सकते हो, और कुछ चीजें जो आप मैं पढ़ा रहा हूं और आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख रहे हो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्लास में पूछ सकते हो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी किसी को कुछ पूछना है, यस सर बोलिए, क्या पूछना है बेटा? सर एक क्राई लीक छूट रहा है, क्या एक क्राई लीक, एक क्राई लीक, बेटा आप क्या बोल रहे हैं, आपकी वॉइस नहीं क्लियर आई, सर मैं एक लीक बोल रहा हूँ, एक क्राई लीक, हाँ बेटा अभी वो टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को, अभी मैंने उस टॉपिक को स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस टॉपिक को ना, तो अभी हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग उस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या है। किसी को पॉलिस्टर या नायलॉन में कुछ क्वेश्चन करने तो कर सकते हो, और एक और चीज, बीच में हम लोग क्वेश्चन हो ना तो इंटरप्ट नहीं करना हो तो चैट पे डाल दिया करो, गूगल में चैट विंडो होगा सबके पास, जब पर्टिकुलर नाम क्लियर नहीं हो रहा है तो चैट पे सब लोग डाल दिया। एरिलिक में क्या चीजें दे रहा है, एरिलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर, एरिलिक इज मेड अप फ्रॉम द केमिकल कॉल्ड एरिलोनाइट्राइन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एरिलोनाइट्राइन, सो द स्पेलिंग इज ए सी आर वाई एलओ एन आई टी आर आई एल ई, एरिलोनाइट्राइन, सो द केमिकल कॉल्ड एरिलोनाइट्राइन, जो एरिलिक होता है वो एक केमिकल से फॉर्म होता है, केमिकल इज कॉल्ड एरिलोनाइट्राइन, क्या कहेंगे बेटा,
एरिलो नाइट्राइल, दिमाग में रखिएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ द पॉलीमराइजेशन, कौन सा प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन यानी कि पॉलीमर एक तरीके से उसका फॉर्म करना, एरिलिक इज अ लाइट वेट सॉफ्ट एंड वार्म विद अ वूल लाइक फील, इसकी जो फीलिंग्स होती है वो वूल की तरीके से होती है, एक तरीके से मतलब ये वार्म होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज मेरी बात सुना, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, एरिलिक का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है तो काफी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, एनी क्वेश्चंस वन बाय वन। हर्षित कोई क्वेश्चन है बेटा? आप लोग अपने माइक्स को थोड़ा सा अनम्यूट कर दीजिए, बोल सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है, सब लोग बोलेंगे, माइक को थोड़ा सा टर्न ऑन कर लीजिए। सर मीनिंग ऑफ एमाइड सर, बंद कर सर, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जो घुला हुआ होता है सर, सॉल्यूट, सॉल्यूट जिसमें आप बोल रहे हो। ओके सर। सर टेरिकॉट क्या होता है? टेरिकॉट बेटा एक फॉर्म होता है, जब आप पॉलीमर, जब आपने क्या किया, पॉलिस्टर को कॉटन के साथ कंबाइन कर दिया तो एक न्यू, एक तरीके से नया फाइबर जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड टेरिकॉट। टेरिकॉट करेंगे या तो उसे क्या कहेंगे हम, पेरिकॉट, पॉलीकॉट या टेरिकॉट, ठीक है। सर मीनिंग ऑफ एमाइड, एनी अदर क्वेश्चंस? एमाइड बेटा, जो एमाइड है वो एक यूनिट पार्ट है पॉलीएमाइड का, ठीक है। तो नॉर्मली जब मैंने आपको बताया था पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर में ईस्टर यूज होता है तो पॉलीएमाइड भी फॉर्म होता है, तो पॉलीएमाइड नॉर्मली किसके लिए बनता है, नायलॉन के लिए बनता है, ठीक है। जैसे हमने मोनोमर्स यूज किया, पॉलीमर्स यूज किया, इसी तरीके से जो यूनिट पार्ट होता है हमारा नायलॉन का, दैट इज एमाइड, और एमाइड से कंबाइन जो उनका कलेक्शन है उसको यूनिट पार्ट था हमारा एमाइड, उनका जो कलेक्शन है उसको जो हम कलेक्टिवली बुलाते हैं दैट इज पॉलीएमाइड, और उसी पॉलीएमाइड से हम फाइबर बनाते हैं, किसका, नायलॉन का। क्लियर? यस सर। ओके सर, और किसी को कुछ पूछना है? सर व्हाट डू वी से टू द फेलोस, अगर आपको कभी भी कोई डाउट लगता है तो आप ग्रुप में भी भेज सकते हो, ग्रुप में आप मैसेज कर दो, कोई भी क्वेश्चंस हो आप नोट डाउन करके अपने क्वेश्चंस भेजिएगा। देखिएगा आप राइट करके, आप ग्रुप में टाइपिंग मत करिएगा, आप पर्टिकुलर किसी कॉपी में अच्छे से क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, आफ्टर देन जितने भी क्वेश्चंस आपको याद हो रहे हैं वो उतने नोट डाउन करके आप उसकी फोटो भेज दीजिए, फिर मैं हर एक क्वेश्चंस को नोट, मतलब नॉर्मली क्लास जब होगी तो मैं उसको डिस्कस करके आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके सर, पेट्रोकेमिकल क्या होता है? क्या चीज बेटा? सर पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल बेटा ये पेट्रोलियम से स्टार्ट होगा, अभी उसको हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। पेट्रोकेमिकल होता है वो, पेट्रोलियम से हमें केमिकल मिलते हैं, जस्ट लाइक अब जो हमारे नॉर्मल जो सिंथेटिक सिल्क बनते हैं वो पेट्रोकेमिकल से ही कहीं ना कहीं फॉर्म हो रहा है। सर कलेक्शन हम उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे, और चूंकि अभी वो टॉपिक आया भी नहीं है तो फिलहाल जो टॉपिक आपने पढ़ा है मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, उसमें से अगर कोई डाउट नहीं है तो बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो आप अपने नोटबुक में सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके आप पिक भेज सकती है, मैं सबके क्वेश्चंस को एनालिसिस करके नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो मैं सबके आंसर्स दे दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाए। हाँ वन मोर थिंग, सब लोग अपना माइक ऑन करो, मुझे कुछ पूछना है भाई तुम लोगों से। ओके फिजिक्स वाले सर जो आप लोग को टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? प्रेशर। बोलो सर, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर। ओके ठीक है, देखो फिजिक्स वाले सर कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से अनअवेलेबल हो रहे हैं, तो फिजिक्स की क्लासेस जो होंगी वो अभी फिलहाल मैं ही लूंगा आपका, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स की दोनों की क्लासेस मैं ही आपकी लूंगा, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि जो चीजें वो पढ़ाए हैं उनको मैं आगे फर्दर कंटिन्यू भी कर सकता हूँ या फिर मैं कोई नया टॉपिक भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उन्होंने पहला टॉपिक प्रेशर पढ़ाया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रेशर को ही कंटिन्यू करूँ, ठीक है।
सर। ओके, आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। अभी की क्लासेस में थोड़ा सा और आपको डाउट भी डाउट्स होंगे पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, बाय बाय।